मोहम्मद सिद्दीकी की हत्या को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख अजहरुद्दीन ओवैसी ने भी महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी है वहां पर जंगल राज चल रहा है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर को एआईएमआईएम प्रमुख ने शिंदे फडणवीस सरकार की नाकामी बताया है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के मिले और जो ख़ुद उनकी पार्टी के अलायंस में है आप उसकी हत्या कर दी जाती है जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी के बावजूद बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। राउत ने यह भी कहा कि यह सीएम एकनाथ शिंदे की असफलता है, अपराधियों में कानून का डर नहीं है। राउत ने गवर्नर से डिमांड की कि फडणवीस को गृह मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है, उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनेगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा, दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है, उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृहमंत्री पद से हटाना चाहिए। तो विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, वही डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि पुलिस की 5 टीमें अलग अलग राज्यों में लगाई गई हैं, दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। दो लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, दो लोग और भी कुछ लोग हैं, उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर ध्यान दे रहे, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया, इसके बारे में तुरंत नहीं लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रस्तान मरीन लाइन्स में जो है वहाँ उनको दफनाया जाएगा, सरकारी इत्मीनान दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से।